आइए बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिवाइज करेंगे क्लास टेंथ की केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर जो कि सिलेबस में है, इसका नाम है क्या, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। जैसा कि आप सबको पता है ये किसका सिलेबस है, गदर टू का सिलेबस है। ठीक है, गदर वन तो आप लोग दे चुके हैं एग्जामिनेशन, गदर टू जो कि आने वाला है उसका ये सिलेबस है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा हम लोग को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो एग्जामिनेशन में आने वाले टॉपिक्स हैं वही पढ़ेंगे। बाकी तो इसमें कहानियाँ बहुत सारी दी हुई हैं, कहानियों से हमें मतलब नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना गदर टू का सिलेबस। देखिए बच्चे, इस जो चैप्टर का मेन लीड है वो आपका है कार्बन। क्या है? कार्बन। तो कार्बन नाम से ही कुछ ना कुछ आप लोगों को आइडिया तो लगी जा रहा होगा। पहला, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग लिख रहे हैं। एटॉमिक नंबर क्या है? 6 है सर। ओके, जब 6 एटॉमिक नंबर है तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें? 6। उतने ही क्या होंगे? प्रोटॉन। और अब आप लोग के लिए एक इजी कर दे रहे हैं, इसमें इतने ही क्या होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। दूसरी इन्फॉर्मेशन हम लोग क्या लेते हैं, ये क्या है, ये मेटलॉइड हैं। क्या हैं? मेटलॉइड हैं। अब मेटलॉइड से हम लोग पढ़े हैं क्लास नाइन्थ में कि मेटलॉइड क्या होते हैं। मेटलॉइड ऐसे सबस्टांस होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी क्या करते हों, शो करते हों। ठीक है, जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हों उनको क्या बोला जाता है, मेटलॉइड बोला जाता है। तो अब एक डाउट आ रहा होगा कि कार्बन अकेला है और दोनों प्रॉपर्टीज शो कर रहा है, मेटल का भी नॉन मेटल का भी, ये कैसे हो सकता है? तो हाँ जी बच्चों, कार्बन अकेला है लेकिन इसके रूप तीन हैं, बहुत सारे तो नहीं बोल सकते हैं, इनके रूप क्या हैं, तीन हैं। तो पहला हम लोग जानते होंगे, जिनके साथ बचपन से हम लोग आ रहे हैं खेलते हुए, ग्रेफाइट। तो बचपन से कैसे खेल गए, पेंसिल से लिखते हैं ना हम लोग, जो उसके अंदर लीड लगी हुई है वही क्या है, ग्रेफाइट है। सेकंड क्या है बच्चों, डायमंड। डायमंड से एक चीज़ याद है, सब कोई सुना होगा, इंगेजमेंट रिंग, आजकल इनका ही ज़्यादा यूज़ है डायमंड का। दूसरा क्या है, हंसना नहीं है बस, इसका नाम सुन के हंसना नहीं है, बकमिंस्टर फ्लोरेन। ठीक है, इसको प्यार से हम लोग बोलते हैं क्या, C60 बोला जाता है। क्या बोला जाता है? C60। तो कार्बन इन तीन डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो इस फिनोमिनन को बोलते हैं इलेक्ट्रोपिक फिनोमिना। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोपिक फिनोमिना। और ये जो तीन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है ना, इनको बोलते हैं एलोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं? एलोट्रॉप्स। तो हम क्या बात कर सकते हैं बच्चों, कार्बन के कितने एलोट्रॉप्स होते हैं, तीन। कौन कौन से? ग्रेफाइट, डायमंड और C60। इसको बोलते हैं बकमिंस्टर फ्लोरेन। ओके, क्या बोलते हैं? एलोट्रॉप्स। ठीक है, तो कार्बन एग्जिस्ट इन थ्री डिफरेंट फॉर्म्स, डेट इज ग्रेफाइट, डायमंड एंड बकमिंस्टर फ्लोरेन। इनके बारे में तो ये हो गया, कुछ और बेसिक इन्फॉर्मेशन कर लेते हैं। क्या हुआ, एटॉमिक नंबर ये हो गया। पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक होते हैं, क्या होते हैं? ब्लॉक। ब्लॉक क्या है इनका? पी ब्लॉक है। ठीक है,
पीरियड, स्कूल में जो पीरियड लगती है ना, 7 पीरियड 6 पीरियड, तो ये सेकेंड पीरियड पढ़ के निकल जाते हैं, ठीक है। यानी क्या है, सेकेंड पीरियड में कौन स्कूल बंक करता होगा कभी मिड क्लास में, जो ज़्यादा बदमाश होगा। हाँ सही बोले आप लोग। यानी कार्बन क्या है, अपने क्लास का यानी अपने जो भी इसके क्लासमेट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा बदमाश कार्बन ही है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं हम लोग। कुछ इसमें बेसिक क्वेश्चंस क्या आते हैं थोड़ा ये हमें जानने की ज़रूरत है। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग लेते हैं क्या, ग्रेफाइट, ओके। यहाँ पर लेते हैं क्या, C60। और डायमंड को आप लोग ज़्यादा पसंद करते हो, हम नहीं करते हैं, तो डायमंड को हम लोग छोटे वाले कॉलम में रखते हैं, डायमंड, ठीक है। कोई दिक्कत है बच्चों? दिक्कत होना नहीं चाहिए। तो क्या है हमारा, ग्रेफाइट, C60 और डायमंड, ओके। तो ग्रेफाइट में क्या आता है, इनकी कुछ इन्फॉर्मेशन। ये क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं एंड ओपेक नेचर के होते हैं। सेकेंड क्या है, दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, ये गुड कंडक्टर होते हैं। सेकेंड थर्ड, सॉफ्ट नेचर के होते हैं, ज़्यादा गुस्सा नहीं करते हैं। किस नेचर के होते हैं, सॉफ्ट नेचर के होते हैं। लास्ट क्या है, इट एक्ट एज लुब्रिकेंट्स इन फास्ट मूविंग मशीनरीज, ठीक है बच्चों। तो ये क्या है, हो गई कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस हो गई। अब तो और भी कुछ ज़्यादा हैं, तो आइए कुछ और डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। कुछ और डिस्कस कर लेते हैं। ग्रेफाइट में क्या होता है, एक कार्बन एटम 3 डिफरेंट कार्बन एटम से अटैच होते हैं, इन ग्रेफाइट 1 कार्बन एटम इज अटैच्ड टू 3 डिफरेंट कार्बन एटम्स। क्या होता है बच्चों, ग्रेफाइट में एक कार्बन एटम 3 डिफरेंट कार्बन एटम से जुड़े होते हैं। कैसे जुड़े होते हैं आइए देख लेते हैं हम लोग। फिर ये 3 से जुड़े होंगे, ठीक है। अब देखिए कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, हम लोग क्या पढ़े थे, एटॉमिक नंबर 6। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, के और एल सेल में 2 4। इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको, इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 4। और इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, ठीक है। या तो 4 दे दे तो स्टेबल हो जाएगा, या फिर 4 ले ले तो स्टेबल हो जाएगा। इस पर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ समझते हैं इसकी वैलेंसी कितनी है, 4। जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है किसी को स्टेबल होने के लिए, वही क्या होता है वैलेंसी होती है। यानी इसकी वैलेंसी क्या है, 4। यानी कार्बन क्या चाहेगा कि हमें 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाए। हालांकि कार्बन मेटलॉइड है तो ये क्या करेगा, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करेगा। आप इसके पीछे मैं लॉजिक बताऊंगा अभी नेक्स्ट स्लाइड पर।
तो कार्बन के पास चार वैलेंसी है, तो एक से तो ये हो गया, ये से हो, एक से ये हो गया और एक से ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। कितना इलेक्ट्रॉन बचा, यहाँ पे एक बच जा रहा है। सेम केस इसके साथ अप्लाई करते हैं हम लोग, एक इलेक्ट्रॉन एक से शेयरिंग ये कर लिया, यहाँ कर लिया, एक से यहाँ पर और एक से यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी फ्री हो गए। अब ये क्या करेंगे, स्टेबिलिटी की वजह से यहाँ पर एक पार्शियल, सॉरी क्या कर लेते हैं ये, ओहो क्या कर लेंगे, ये यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और एक इलेक्ट्रॉन क्या है बच्चा यहाँ पर, तो यहाँ पर ये क्या करेंगे, पार्शियल बॉन्ड बना लेंगे, पार्शियल बॉन्ड बना लेंगे। ओके पार्शियल बॉन्ड बना लिए, तो यहाँ पर लगभग क्या हो जाएंगे, अपने फॉर्म में स्टेबल हो जाएंगे। बट जैसे ही हम यहाँ से क्या करते हैं, एनर्जी का सप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं, एनर्जी दिए, किसी फॉर्म में दे सकते हैं, हीट के फॉर्म में दे सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में दे सकते हैं, तो देंगे तो ये बॉन्ड तो पार्शियल है भाई, वीक है, आप कमज़ोर लोगों तो सबको ही मार देता है, तो एनर्जी जैसे ही आएगी ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, यहाँ से टूट जाएगा और दो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। हम लोग क्लास 10th में पढ़े ही हैं इलेक्ट्रिसिटी में कि फ्री इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के लिए। तो दो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए और इसके वजह से इसमें से क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी इजली फ्लो हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ तो इसमें तो ये हम लोग पढ़ लिए, प्लेनर होते हैं ये, क्या होते हैं, प्लेनर, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है ग्रेफाइट के बारे में। आगे जैसे जैसे आएंगे हम लोग आगे क्वेश्चंस में करते रहेंगे, ठीक है बच्चों। हाँ डायमंड के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं C60 के बारे में, डायमंड हार्ड। डेंसिटी क्या होती है इनकी, हाई डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जब क्लोजली पैक्ड होते हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है इनका, ठीक है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है इनकी, क्या होती है, टेट्राहेड्रल, यानी एक कार्बन एटम चार डिफरेंट कार्बन एटम से जुड़े होते हैं, जब जुड़े होंगे तो क्या होगा, डायमंड में क्या होता है, एक कार्बन एटम फोर डिफरेंट कार्बन एटम से क्या होंगे, जुड़े होंगे। तो यहाँ पर तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है नहीं भाई, जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे नहीं करेंगे, जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, सॉरी क्या बोल सकते हैं, सारे कलर साइज यूज़ कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही प्यारा है और मुझे अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि ये पहला लेक्चर है मेरा यहाँ पे ऑनलाइन मोड पर, ठीक है। तो डायमंड क्या है, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, और क्या होता है बच्चों, और क्या होता है, बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर होता है, क्यों होता है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, ठीक है। ज्वेलरी के तौर पे इसका यूज करते हैं, ब्रैकेट में ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स, ठीक है। और आ जाइए इसका यूज ऑडियो फोन में किया जाता है, ताकि साउंड क्लियरली सुनाई दे। ये हो गया इनके इनके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा हमें जानने की ज़रूरत भी है भी नहीं। और हार्ड होते हैं ये, क्या होते हैं, हार्ड, इसी वजह से बोला जाता है कि हीरे को हीरा ही काटता है, ठीक है। बाय द वे आज 11 तारीख है, 11 नहीं है, याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, डायमंड के बारे में पढ़ लिए हम लोग,
अब कोई बोलेगा सर ऐसे क्यों छोड़ दिए, तो कार्बन की चार वैलेंसी होती है, तो चार से तो ये सेटिस्फाई हैं, इनको भी सेटिस्फाई कर देते हैं। ठीक है बच्चों, डरना नहीं है। ओके 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 हो गया, वेरी गुड। इसको थोड़ा हम सही से लिख दें ताकि आप लोग को डर ना लगे। मैं लिखा हूँ CH3, चार है ना, एक दो तीन चार, यस ये मैं लिखा हूँ। तो बाकी आगे नेमिंग आएगी तो बताएंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। ओके अब हम लोग आ गया अपना प्यारा बग भैया, कौन बक, बक मीन्स C60 यानी नंबर ऑफ कार्बन, सॉरी नंबर ऑफ कार्बन कितने बच्चों, C60 मतलब 60 हैं, 60 हैं। इसमें एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या आता है, नंबर ऑफ हेक्सागोन एंड नंबर ऑफ पेंटागोन। यही क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। इसको इजी वे में नहीं लेना है, ठीक है, इजी वे में नहीं लेना है। हेक्सागोन कितने होते हैं, 20, पेंटागोन कितने होते हैं, 12, ठीक है। ओके ये लाइट हो गया क्या ज़्यादा, कोई बात नहीं यही लेते हैं हम लोग। तो 20 हेक्सागोन, 12 पेंटागोन, ये भी क्या होता है, ये सॉफ्ट नेचर का होता है, क्या होता है, सॉफ्ट नेचर का होता है, लुब्रिकेंट के तौर पे इसको भी यूज़ करते हैं। थर्ड है ये HIV की जो प्रोटीन होती है ना, इसको डिस्ट्रॉय करने में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है, यानी इसका मेडिकल ट्रीटमेंट में भी क्या है, बहुत बड़ा रोल है किसका, बक मिनिस्टर फ्लोरेन का। ओके तो इतना तो हम लोग पढ़ लिए सर। अब कार्बन के बारे में थी, और कार्बन के बारे में, कार्बन से ही इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ गया। हाँ बच्चों ये क्या है ना कि चैप्टर में केवल कार्बन के बारे में ही स्टडी करना है, कार्बन क्या है, कार्बन क्या क्या करता है, कार्बन कैसे कैसे कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, बस इन्हीं के बारे में पढ़ना है, ज़्यादा हमें इस चैप्टर में पढ़ना है भी नहीं। और क्वेश्चंस लगभग देखो ना, बोर्ड के पास क्वेश्चंस लिमिटेड हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस हैं नहीं, लगभग ज़्यादा से ज़्यादा अगर इसमें से 30 क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लेते हो ना, 30 क्वेश्चन तो ज़्यादा हो गया, 15 मैक्सिमम। अगर 15 क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लेते हो कार्बन्स कंपाउंड से, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से, तो ये एनफ है, ये बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए एनफ है। 2023 में गदर के आप मेन दारा सिंह आप ही रहेंगे, सनी देवल, ठीक है। तो क्या करना है आपको, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करने हैं, बस यही, ज़्यादा हमें करने की ज़रूरत ही नहीं, 15 क्वेश्चन मैक्सिमम है, जो हमारे कोचिंग के टेलीग्राम चैनल पे आप लोग आपको मिल जाएंगे, ठीक है। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, सही रहेगा, ठीक है बच्चों। ओके तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कार्बन। अच्छा तो कार्बन के बारे में हम लोग पढ़ लिए, तो कार्बन कुछ करता भी है क्या सर, हाँ करता है ना, कार्बन एक स्पेशल तरीके का कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बन
कंपाउंड्स, क्या क्या बोला जाता है बच्चों? कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स की स्टडी जिस केमिस्ट्री में वो करते हैं उसको बोला जाता है कार्बन केमिस्ट्री। क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है? कार्बन केमिस्ट्री, जिसको प्यार से आपके स्कूल के टीचर क्या बोलते होंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब कार्बन का कितना बड़ा रोल है तो हम लोग समझते ही होंगे बच्चों। तो क्या है उसके बारे में, जो जो कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं, आइए देखते हैं कार्बन का साइज कितना कितना बड़ा है, थोड़ा ही देख लेते हैं हम लोग। कार्बन एटॉमिक नंबर 6, 2, 4, दो यहाँ पे रख लो और 4 यहाँ रख लो, यानी छोटा है। साइज कैसा है? छोटा है। चार वैलेंसी है, टेट्रावेलेंट है। अब इस छोटे होने की वजह से ना कार्बन कार्बन क्या कर लेते नहीं देखते हैं घर, अक्सर जब छोटे बच्चे खेलते हैं तो उनका बहुत जल्दी ग्रुप बन जाता है। वैसे ही कार्बन अपने फैमिली में लगभग छोटा ही है, ज़्यादा छोटा तो नहीं बोलेंगे, छोटा ही है। तो कार्बन कुछ प्रॉपर्टी शो करता है। पहली प्रॉपर्टी का नाम है केटी नेशन। क्या नाम है बच्चों? कैटिनेशन। दूसरी प्रॉपर्टी का नाम है टेट्रा वैलेंसी। तीसरी प्रॉपर्टी का नाम है पॉलीमराइजेशन। क्या नाम है बच्चों? पॉलीमराइजेशन। यानी पहली प्रॉपर्टी क्या हुई? कैटिनेशन, टेट्रावेलेंसी, पॉलीमराइजेशन। और भी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको पढ़ने नहीं है, आपको बस क्या पढ़ना है, यही दो प्रॉपर्टी आपको पढ़ना ही। प्रॉपर्टी हैं क्या, दो वर्ड में मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, ज़्यादा लंबा लॉन्ग लेपेट नहीं करेंगे इसको। कैटिनेशन को बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं बच्चों? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, यानी एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से कार्बन दूसरे कार्बन एटम से जुड़ जाता है, उसी को बोलते हैं क्या? कैटिनेशन बोलते हैं। अच्छा आप सुनो ना, जब कार्बन दूसरे कार्बन से अटैच होता जाएगा तो चैन कितनी बड़ी होती जाएगी? बहुत बड़ी होती जाएगी। तो उससे क्या होगा, जैसे मान लो ये कार्बन डॉट 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 बहुत ज़्यादा, इधर भी बहुत ज़्यादा, तो कार्बन कार्बन से अटैच होता जाएगा तो कार्बन क्या करेगा, अपने जैसे कंपाउंड्स मतलब बहुत ज़्यादा फॉर्मेशन कर लेगा, यानी कार्बन कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा बनेंगे। तो एक क्वेश्चन आता है कि वाई कार्बन कंपाउंड, वाई कार्बन फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। तो उसके पीछे एक ही रीज़न है क्या बच्चा? एक तो कैटिनेशन है, दूसरा क्या है? टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी कैसे समझोगे आप? जैसे मान लो दो बच्चे हैं, दो बच्चों के पास, एक के पास एक चॉकलेट है, एक के पास चार चॉकलेट है। तो अगर उन वो अपने फ्रेंड्स को बुलाना चाहेंगे तो फ्रेंड्स किसके पास जाएंगे? जो हम सब की हैं, तो हम लोग किसके पास जाएंगे? ऐसे बच्चों के पास जिनके पास चार चॉकलेट्स हैं, ठीक है। तो वही कार्बन है, कार्बन ठीक वही कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। तो चार इलेक्ट्रॉन है इनके पास, ओके, चार इलेक्ट्रॉन है। तो इनसे मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि इनसे कार्बन अटैच हो जाएगा, क्योंकि चार चॉकलेट है इनके पास, बात समझो। चार वैलेंस, चार इलेक्ट्रॉन है, इनकी वैलेंसी क्या है? चार है, जिसकी वजह से क्या कर लेंगे, दूसरे कार्बन एटम से इजिली अटैच हो जाएंगे। यानी वी हैव टू रीजंस, फर्स्ट वन इज कैटिनेशन एंड अदर वन इज टेट्रा वैलेंसी, ड्यू टू विच कार्बन फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। ओके, कोई दिक्कत हो? दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत हो अगर होगी आपको कोई भी चीज़ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम लोग उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, थोड़ा सा इसमें कुछ बचा तो नहीं है ना? नहीं बचा, थोड़ा इसी को यूटिलाइज करते हैं, ठीक है बच्चों। आइए, तो ये हो गया, हमें एक क्वेश्चन आता है इसमें, कार्बन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ C4- C4+ SE। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ का, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी
इम्पोर्टेंट है, कार्बन सी फोर माइनस में एग्जिस्ट करता है या कर सकता है कि नहीं कर सकता है, ये बताना है आपको। सी फोर प्लस में एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है, थर्ड है कार्बन के फॉर्म में, ठीक है। आइए बच्चों, तो सी फोर माइनस इसको समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। कार्बन एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12.017 होता है, उतना आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। राउंड फिगर में 12 लिखिएगा, 6 के सेल एल सेल 2 4। हम लोग जानते हैं कि कार्बन क्या अटेंड करना चाहेगा, नोवेल गैस कॉन्फ़िगरेशन, जो कि इसके नियरेस्ट नोवेल गैस कौन कौन से हैं, पहला तो एच ही है, दूसरा क्या है एन ए, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 10, मींस इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है 2 और 8 होना चाहिए, यानी इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 8, तब ये किया जाए क्या कर हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, ओके। तो अगर सी फोर माइनस सी फोर लेगा, यानी इसके पास प्रोटॉन कितने हैं बच्चों, थोड़ा देख लो एक बार, 4 प्रोटॉन है ना, सॉरी 6 प्रोटॉन है, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 4, तो जब 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो उतना जो प्रोटॉन इसके पास 6 है ना, जैसे टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 4 लेगा, तो अभी तो 6 है, अब 4 लेगा तो कितना हो जाएगा 10, और इसके पास प्रोटॉन कितने हैं 6, यानी 6 प्रोटॉन उस 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाएंगे, डेट्स वाई सी फोर माइनस डजेंट एग्जिस्ट इन द सी फोर माइनस डजेंट एग्जिस्ट, ओके। सेम केस वही इसके साथ भी होने वाला है, सेम केस वही इसके साथ भी होने वाला है, क्या होने वाला बच्चों, आइए आइए थोड़ा यहीं पर समझा देते हैं, आज हम चेंज नहीं करेंगे, हम गुस्सा आ गए हैं, ठीक है। आइए सी फोर प्लस के लिए क्या चाहिए आपको, 2, और ये जो 4 था ये 4 चला जाएगा, तभी तो सी फोर प्लस बनेगा। तो प्रोटॉन कितना था आपके पास, प्रोटॉन था आपके पास कितना, प्रोटॉन कितना था बताओ जल्दी, प्रोटॉन 6 था, जब इलेक्ट्रॉन दिया तो मतलब क्या है, इस 4 इलेक्ट्रॉन को, ये तो टोटल 6 हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, और प्रोटॉन कितने हैं 6, तो ये 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को टाइटली बाउंड किए होंगे, पकड़े होंगे, तो ये 4 जो इलेक्ट्रॉन है ना निकल नहीं पाएंगे, जब 4 इलेक्ट्रॉन निकल नहीं पाएंगे तो सी फोर प्लस बन नहीं पाएगा, तो इनके पास एक ही क्या है, एक ही रीज़न, मतलब एक ही कंडीशन के पास बच रही है कि क्या करें, शेयरिंग करें इलेक्ट्रॉन की, और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे तो एक ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कोवलेंट बॉन्ड। तो ये क्वेश्चन मन में उठ रहा होगा आप लोगों की, कार्बन क्या सर बस कोवलेंट बॉन्ड ही बनाता है क्या, हाँ बच्चों कार्बन कैसा बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं, यानी कोवलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। तो सर कार्बन कंपाउंड सारे कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, हाँ होते हैं ना, उसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सर कार्बन कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बोलते हैं क्या, हाँ बोलते हैं ना, तो कार्बन कंपाउंड्स हो या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड सभी किस नेचर के होते हैं, कोवलेंट नेचर के होते हैं, ओके वेरी गुड, ठीक है। तो ये हमारी क्या थी, आप इस स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा जहाँ आपको ज़रूरत पड़े, ओके। अब हम क्या पढ़ चुके हैं, कार्बन के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ चुके हैं, उनके सारे इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स को पढ़ चुके हैं, कार्बन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ये भी पढ़ चुके हैं, और अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, नेमिंग पढ़ लें, ठीक है। नेमिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें लगभग 2 मार्क्स के क्या आते हैं क्वेश्चन आते हैं, क्या आते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा हमें वीडियो को लंबा नहीं करना है, तो बच्चे क्या हो जाएंगे ना, बोर हो जाते हैं आजकल के बच्चे, ठीक है, ओके। तो आइए टॉपिक हमारा क्या, 2 नंबर का आता है, 2 नंबर छोड़ना नहीं है किसी कीमत पे, इजी है एकदम, ज़्यादा कोई लंबा है भी नहीं। पहले तो हम लोग क्या पढ़ लें, रूल पढ़ लें, रूल किसके लिए पढ़ लें, फॉर द नेमिंग ऑफ
कार्बन कंपाउंड। ठीक है बच्चों, रूल फॉर द नेमिंग ऑफ कार्बन कंपाउंड। थोड़ा सा इससे पहले हम क्या बता दे रहे हैं आपको, कार्बन कंपाउंड की क्लासिफिकेशन बता दे रहे हैं ताकि क्या हो, नेमिंग में आपको इजी लगे थोड़ा। तो आइए थोड़ा हम करते हैं। और एक वर्ड आप लोग सोच रहे होंगे सर भूल गए क्या, बताते बताते नहीं, अब बताएंगे उसको। इसका नाम क्या है, पहले बादल बनाया जाए। ठीक है, बादल बना के बादल में क्या लिखा जाएगा, हाइड्रो कार्बन। ओके, अब कितने लोग सोच रहे होंगे सर यहाँ से चैप्टर स्टार्ट हम लोग की कितने स्कूल में हुआ था। हाँ कोई बात नहीं, जिसका जहाँ से बन करे वहाँ स्टार्ट करें। ठीक है बच्चों, तो हाइड्रोकार्बन के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन हम लोग लेते हैं। पहला तो एक कि एक ऐसा कंपाउंड जो किससे बना होगा, हाइड्रोजन से बना होगा। दूसरा ये कि एक ऐसा कंपाउंड जो किससे बना होगा, कार्बन से बना होगा। यानी हाइड्रोजन प्लस कार्बन मिल के क्या बना रहे हैं आपके, हाइड्रोकार्बन। ओके, तो इनकी कुछ क्लासिफिकेशंस हैं जो हमें पढ़ने हैं। चला जा भाई। ओके हाँ चला गया। अब हाइड्रोकार्बन का हम लोग क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। ओके आइए, बादल भैया आ गए। पहला ये, लीनियर क्या होते हैं, लीनियर कंपाउंड्स होते हैं, लीनियर कंपाउंड्स होते हैं। दूसरा ये कि ये साइक्लिक हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स हो सकते हैं। ओके, साइक्लिक कंपाउंड्स। अब लीनियर कंपाउंड्स हो या फिर साइक्लिक कंपाउंड्स हो, इनकी ये दोनों एक जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं, या तो ये सैचुरेटेड होंगे या फिर ये अनसैचुरेटेड होंगे। यही दो रीजन है हमारे पास। तो क्या है क्या होंगे ये, क्या होंगे, या तो ये सैचुरेटेड और दूसरा ये क्या हो, अनसैचुरेटेड हो। ठीक है, सेम रीजन इनके साथ भी हो सकता है, ये भी क्या हो सकते हैं, सैचुरेटेड हो सकते हैं और दूसरा क्या हो सकता है, ये भी अनसैचुरेटेड हो सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, बस नींद आ रही है पानी पी लो। सैचुरेटेड में क्या होते हैं, कार्बन कार्बन बीच में क्या पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या फिर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। देखो बच्चों, जो रूल मैं इनके लिए बता रहा हूँ ना, जो नियम इनके लिए बता रहा हूँ वही नियम इन पर भी एप्लीकेबल होंगे। बस रीज़न क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है कि ये आपके क्या होंगे, स्ट्रेट होंगे, क्या होंगे, स्ट्रेट होंगे। दूसरा क्या है, ये आपके क्या होंगे, साइक्लिक नेचर के होंगे। कैसे साइक्लिक बोले तो अब क्या सर, साइक्लिक कंपाउंड फिर बोल रहे हो साइक्लिक नहीं, ये कैसे होंगे, रिंग के फॉर्म में होंगे। किस फॉर्म में होंगे, रिंग फॉर्म में होंगे। ठीक है, अभी आपको एग्जांपल मिलेंगे। तो आइए, सैचुरेटेड में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, ये इसमें इसका एग्जाम्पल क्या है आपका, एल्केन। क्या एल्केन, किसी किसी बुक में एल्काइल दिया होता है तो वो भी गलत नहीं है, एल्काइल में भी वही पाया जाता है, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे इसके। पहला तो ये आपका हो गया, पहला तो आपका ये हो गया, इसको बोलते हैं एल्कीन। सभी एक ही फैमिली के हैं, ये ध्यान रखना, सबके सबके एक ही फैमिली है, ये एल्कीन ये एल्काइन, ये क्या है, एल्केन एल्कीन एल्काइन। किसके टाइप्स हैं ये, हाइड्रोकार्बन के। हाइड्रोकार्बन में किसके, सैचुरेटेड का है एल्केन, अनसैचुरेटेड का है एल्कीन या फिर एल्काइन।
ओके, कोई दिक्कत है बच्चों? देख ले यहाँ पर कोई तो डिस्टर्बेंस तो नहीं है ना? नहीं, वेरी गुड। हाँ जी, तो लिनियर कंपाउंड्स कितने तरीके के होते हैं? सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में एल्केन आता है, अनसैचुरेटेड में एल्कीन या फिर एल्काइन आती है। आती नहीं, आता है, जो भी आपको समझना समझ लीजिए। अब ये सैचुरेटेड में क्या होता है? ठीक भाई, एल्केन था तो साइक्लो एल्केन, इसमें साइक्लो एल्कीन या फिर साइक्लो एल्काइन। कितने लोग क्या बोलेंगे साइक्लो एल्काइन तो हम लोग देखे नहीं है, कोई बात नहीं, देख लेना आगे। ओके, फिर आगे आते हैं, आगे आते हैं बच्चों, आगे आते हैं, वेरी गुड। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? आपके क्लास में यानी क्लास टेंथ में बस आपको क्या करना है, किसकी नेमिंग करनी है? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, और एक छोटा सा एक इन सबों सबसे अलग है बेंजीन, बस उसका नाम ही याद रखना है आपको, बेंजीन, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो हम इसमें क्या लिख रहे हैं, पहले क्या लिख रहे हैं? आप लोग सोच रहे हैं सर पूरे बोर्ड को आप रेनबो बना दे रहे हैं। रेनबो बनाना चाहिए, जो कि एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया, और क्या हो गया बच्चों? एल्काइन। ओके, सबके कुछ फॉर्मूले होते हैं। जैसे कोई बोले कि आप अपने घर में हो, जैसे कोई बोले कि शर्मा जी का बेटा, शर्मा जी का बड़ा वाला बेटा कौन है, या सिंह साहब का बड़ा वाला बेटा कौन है, तो जाहिर सी बात है आप ही को याद किया जाएगा। ठीक है, तो वही है, तो इनके भी कुछ क्या हैं, वैसे ही कुछ नॉर्म्स हैं, यानी कुछ फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूले के बेसिस पे हम क्या पता कर सकते हैं कि ये एल्कीन है, एल्केन है या फिर एल्काइन है। ठीक है, तो इनके कुछ जनरल फॉर्मूले होते हैं। क्या होते हैं? जनरल, फॉर्मूले। पहला CnH2n+2, वेयर n इज द नंबर ऑफ सी एटम। सी एटम बोले तो कार्बन एटम, कोई दिक्कत नहीं है, होना नहीं चाहिए। इसका जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? CnH2n। ओके, ठीक भाई, n क्या है? नंबर ऑफ सी एटम, नंबर ऑफ सी एटम। ओके, इसका जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n-2। यहाँ पर भी ठीक भाई, नंबर ऑफ सी एटम। ओके, यानी एल्केन का जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n+2। एल्कीन का क्या है? CnH2n। एल्काइन का क्या है? CnH2n-2। यानी एक में दो जोड़ना है, एक में दो क्या करो, हाँ, एक में कुछ नहीं करना है, एक में दो जोड़ दो, एक में कुछ नहीं करना है, एक में दो माइनस कर देना है, बस इसको याद कर ही लेना। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन आपके सैंपल पेपर्स में आ गए होंगे, आते ही हैं, कि फाइंड आउट विच वन इज सैचुरेटेड, विच वन इज अनसैचुरेटेड, तो आपको थोड़ा ये ध्यान रखना पड़ेगा। एग्जाम्पल, सॉरी, ठीक है, एग्जाम्पल क्या बच्चों? एग्जाम्पल एक देते हैं को प्यारा सा। जैसे मान लीजिए हमें नंबर ऑफ कार्बन क्या रखना है? 1 रखना है, एन की जगह पे 1 रखना है, तो क्या करेंगे? C H2 into 1 plus 2, तो क्या आ जाएगा? CH2 plus 2 क्या होता है बच्चों? 4। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई ना? एक और एग्जांपल ले लीजिए, देख लीजिए इसको, SS ले लीजिए। हाँ हाँ जी, ओके ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी, देख लो बच्चों, ये हो गया। अब हम दो कार्बन N के जगह पे क्या रखते हैं? मान लीजिए 4 लेते हैं, तो 4 रखो, C4H2 into 4 plus 2, जो कि क्या आ जाएगा? मैथ तो हमको आती नहीं, 4 2 जाए 8, 8 plus 2 क्या आएगा? 10।
यानी ए आपका क्या है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसका नाम क्या है, एल्केन। वो एल्केन है। बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो नहीं आई, आ गई होगी, बोलोगे तो भी हम सुन नहीं पाएंगे, इसलिए बोलना मत, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एल्कीन। एल्कीन का वो क्या करेंगे बच्चों, एग्जांपल देते हैं हम लोग इसका, इसके लिए थोड़ा पेन चेंज कर दें, हाँ डार्क वाला, ओके वेरी गुड। अब इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम क्या करेंगे, एन के जगह पे टू रख लें। अब कितने लोग सोचेंगे सर इसमें तो वन लिए थे, इसमें क्यों नहीं टू लिए। बच्चों एल्कीन का फॉर्मेशन के लिए लगभग कम से कम दो कार्बन एटम का होना जरूरी है, तभी तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा यार, देख लो अभी। एन की जगह पे दो रखो, सी टू एच टू इंटू टू, डैट इज इक्वल्स टू सी टू एच फोर, वेरी गुड। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है भी नहीं यहाँ तक मुझे लग रहा है। सेकेंड वन क्या है, अब एन की जगह पे हम लोग दो या दो से अधिक रखते हैं, तीन ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, सी थ्री एच टू इंटू थ्री, डेट इज इक्वल्स टू सी थ्री एच सिक्स। ये भी क्या हो गया, एक एल्कीन हो गया। नेक्स्ट एल्काइन पे आते हैं हम लोग, एल्काइन के लिए ये यूज़ करेंगे, फॉर एन इक्वल टू टू क्या हो जाएगा, सी एन एच टू इंटू टू, 22 माइनस टू, डेट इज इक्वल्स टू सी टू एच टू इंटू टू, ओके टू टू या फोर, फोर माइनस टू डेट इज इक्वल्स टू, तो ये क्या हो जाएगा, सी टू एच टू हो जाएगा, कोई दिक्कत। ठीक वैसे ही सेकेंड ले लेते हैं, एन के जगह पे थ्री, तो सी थ्री एच थ्री इंटू टू माइनस टू, तो क्या हो जाएगा, ये सी थ्री एच फोर हो गया ना। तो ये आपका क्या हो गया, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, कुछ जनरल फार्मूले इनके, जनरल फार्मूले को मैं मार्क कर दे रहा हूँ, थोड़ा एक बार आप जरूरी समझ के इसको लिख लीजिए, नहीं लिखेंगे दिक्कत होगा आपको ही, ठीक है। ये आपके क्या है, जनरल फार्मूलेज हैं, और इसको आप लोग क्या करोगे, नोट कर लो, इसको देख रहे हो क्या, हाँ ये वेलोसिटी इंस्टीट्यूट, ठीक है, इसके बारे में आगे बताया जाएगा कुछ, ठीक है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, आ जाओ आगे चलते हैं, नेमिंग हो गई। अब एल्केन, एल्कीन, एल्काइन बता दिए, अब कुछ एल्काइल के बारे में देख लो बच्चों, क्योंकि ये बच्चों को अक्सर फंसाता है ये एल्काइल, इसमें ये होता क्या है कि सी एन एच टू एन प्लस टू, सर ये तो कुछ जाना पहचाना सा फॉर्मूला लग रहा है, हाँ लग रहा है, क्या लग रहा है, एल्केन वाला लिखिएगा थोड़ा, हाँ लिख दिए, ओके सर मैंने लिख दिया, आप लोग जो बोले मैंने कर दिया। सर अगर इसमें से एक हाइड्रोजन माइनस कर देते हैं तो सर तो फिर यही बन जा रहा है, हाँ तो कौन बोला कि नहीं बन रहा है, वही है ना, जब एल्केन से वन हाइड्रोजन माइनस करते हैं तो क्या बन जाता है, एल्काइल बन जाता है। आइए चेक करते हैं, एल्काइल सबका फॉर्मूला ही बता देंगे एक ही बार, एल्काइल ग्रुप बनाने का एक ही तरीका है, एल्केन माइनस वन हाइड्रोजन, क्या करो वन हाइड्रोजन क्या कर दो, माइनस, इसको माइनस बोला है भाई, कुछ और मत सोच लेना। एल्केन में से वन हाइड्रोजन माइनस करोगे क्या बन जाएगा आपका, एल्काइल बन जाएगा, ठीक है सर। तो आइए अपने काम पर लग जाइए, अब लगेंगे सर क्यों नहीं लगेंगे, आइए देख लीजिए, ठीक है। यानी एक सी एच फोर है, सी एच फोर को क्या बोलते हैं हम लोग, मीथेन। अब इसका फॉर्मूला क्या था, एच फोर, अगर इसमें से एक हाइड्रोजन माइनस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, अगर एक हाइड्रोजन माइनस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, सी एच थ्री, और वैलेंसी एक फ्री कर दिए। इसको बोलेंगे जब मीथेन था तो सी एच फोर था, एक हाइड्रोजन माइनस किए तो क्या बन गया, एल्काइल यानी मिथाइल बन गया, तो सी एच थ्री को क्या बोलते हैं,
मिथाइल। ओके वेरी गुड। तो मैं बोलूँ कि दो कार्बन का एक एल्काइल ग्रुप बनाइए, तो आप लोग जल्दी वीडियो पॉज करके दो कार्बन का एक एल्काइल ग्रुप बनाना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 स्टॉप। दो कार्बन का एल्काइल ग्रुप बनाना है। ओके, पहले तो हम एल्केन बनाएंगे, अगर आपको नहीं आ रहा है तो, या फिर फार्मूला याद है तो डायरेक्ट ऐसे रख देते हैं, हम फार्मूले पे ही रखते हैं। आइए, फार्मूले पर एन की जगह पर टू रखेंगे, C2H2 2 + 4 + 1 5। ये क्या हो गया आपका एल्काइल, कौन सा भाई, इथाइल। तो सर ये कहाँ से ये लिख दिए, वो तो एल्काइल आप बोले थे भाई, एल्काइल का ही ये क्या है, स्पेसिफिक एग्जांपल है क्या, इथाइल। तो सर नेम कैसे दे दिया आप, नेम आगे बताएंगे, टेंशन ना लो, जब हम हैं तो क्या गम है, ठीक है। आइए, अब बिल्कुल सोचना नहीं है कुछ भी, ठीक है। अब नेमिंग के लिए, नेमिंग का जो प्रीवियस फंडा है जो हम लोग बताए थे आपको, हाँ यहाँ पर ये था, वेरी गुड। ये जो नेमिंग चल रहा था ना हम लोग का, सॉरी नेमिंग जो यहाँ पर चल रहा था वही, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। नेमिंग ऑफ हाइड्रो कार्बन, ठीक है बच्चों, नेमिंग ऑफ हाइड्रो कार्बन। ओके, अब जैसे ही हाइड्रोकार्बन का नेमिंग करेंगे, रूल होता है क्या, प्रीफिक्स रूट वर्ड नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, इसमें रूल है क्या आपका, रूल ये रूल को क्या करोगे आप, सॉरी क्यों बार बार कर बोल रहे हैं भाई, कोई बात नहीं, इससे अच्छा तो हम हाथ से ही कर देंगे, ठीक है। ये क्या है आपका, ये रूल है आपका, ठीक है। प्रीफिक्स क्या करना है, ब्रांचेज होती हैं यहाँ पर, क्या करेंगे इसको, ब्रांचेज। रूट वर्ड में क्या होगा, आगे अभी डिस्कस करेंगे, बस दो मिनट रुक जाओ। सफिक्स में क्या होगा, अब कितने बड़े क्लासेस में क्या करते हैं टीचर, इसको प्रीफिक्स को प्राइमरी सेकेंडरी में डिवाइड कर देते हैं, सफिक्स को प्राइमरी और सेकेंडरी में डिवाइड कर देते हैं, तो उतना लंबा हमें बनाने की जरूरत है नहीं, हम लोग क्या करेंगे इसको छोटे वे में निपटा देते हैं, कुछ सोचना ही नहीं है, निपटाओ जल्दी इसको। हाँ जी निपटाइए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हर एक नंबर ऑफ कार्बन्स के लिए उसके डिफरेंट रूट वर्ड्स होते हैं बच्चों, और उन रूट वर्ड को क्या करेंगे हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे एक कार्बन होगा किसी कंपाउंड में तो क्या होगा, उसके लिए अलग रूट वर्ड है, दो होगा तो उसके लिए क्या होगा, अलग रूट वर्ड है। तो आइए उसको थोड़ा उसको याद करना है आप लोगों को, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन रूट वर्ड प्लस सफिक्स, ये क्या है, कुछ रूल्स हैं, ठीक है। ओके आइए, पहला वन कार्बन एक होगा तो रूट वर्ड मेथ, पर इसको डार्क कर दे क्या, एक तो क्या होगा मेथ, दो एथ, तीन प्रोप, फोर्थ प्रोप ब्यूट, फाइव
पेंट, छ हैक्स, वैसे ही सात के लिए हैप्ट, आठ के लिए ऑक्ट। लिख दे क्या? लिख ही दे रहे हैं, नहीं तो कहीं आप लोग नाराज हो जाएंगे। ओह हो, वेरी गुड, मजा आ गया। हाँ ठीक है, हैक्स छः सात आठ नौ दस, सात के लिए, सेवन के लिए हैप्ट, एट के लिए ऑक्ट, नाइन के लिए नॉन, टेन के लिए डेक। ठीक है बच्चों, सफिक्स में क्या होगा? अगर एल्केन होगा, क्या होगा? अगर एल्केन होगा तो सफिक्स लगेगा ए एन ई, अगर एल्कीन होगा तो सफिक्स लगेगा ई एन ई, अगर एल्काइन होगा, अगर एल्काइन होगा तो सफिक्स क्या लगेगा? वाई एन ई। कोई दिक्कत है यहाँ पर? नंबर ऑफ कार्बन एक, रूट वर्ड मैथ, सफिक्स जाहिर सी बात है एक कार्बन का जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है वो एल्केन ही होता है, मीथेन, सॉरी मीथेन होता है, ठीक है, जो कि एल्केन सीरीज का है। तो इसको एक बार एसएस ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे क्या करते हैं कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, ओके वेरी गुड, ले लो। हाँ जी आइए कुछ एग्जांपल्स, एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे कि CH4, CH4 क्या है? एल्केन है। एल्केन के लिए एक कार्बन पीछे देखिए जो लिखे हैं आप लोग, एक कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या यूज करना है? मैथ, तो ले लिए मैथ, वेरी गुड। सर अगर ये तो एल्केन है तो सफिक्स क्या यूज करेंगे? ए एन ई, क्या यूज करेंगे? ए एन ई, नेमिंग तो हो गया, क्या हो गया? नेमिंग हो गया। हाँ ये IUPAC नेम है, क्या है? IUPAC, क्या बोलते हैं बच्चों? IUPAC, जैसे आपका एक दो नेम होता होगा ना एक स्कूल का और एक घर का, टिंकू चिंकू मिंकू, तो वही है इसका स्कूल वाला नेम है क्या? IUPAC नेम, IUPAC। ठीक है, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम से जाना जाता है, इसको बोला जाता है क्या? मार्स गैस। क्या बोला जाता है? मार्स, हंसो नहीं, ये मार्स से आया है। ठीक है ओके, यानी क्या है? CH4 मीथेन, कॉमन नेम मार्स गैस। एक और देख लेते हैं, C2H2 का। सर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है भाई, जनरल फार्मूला से मैच करो कि एल्कीन है कि एल्काइन है, हमको तो याद है कि एल्काइन है ये। ठीक है तो आइए देखते हैं, एल्काइन है ना ये? दो कार्बन, दो कार्बन, रूट वर्ड क्या होगा? एथ, और सर ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन है ना, तो एल्काइन के लिए क्या यूज करेंगे? एल्काइन के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग? वाई एन ई, तो क्या हो जाएगा इसका नेम? वाई एन ई। और इसका जो कॉमन नेम होता है एसिटिलीन होता है, तो आप एक बार उसको लिख लीजिए। ठीक वैसे ही CH2 डबल बॉन्ड, CH2, इसका नेम करके बताइए तुरंत, फाइव तक काउंट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, नहीं बस पॉज कर लो वीडियो भाई, फिर लिखो 1 2 3 4 5। नाउ रेडी, दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए क्या यूज़ करेंगे हम लोग? एथ यूज़ करेंगे। ओके इन है मतलब एल्कीन है, तो उसके लिए रूट वर्ड सफिक्स क्या यूज़ करेंगे? इन, यानी क्या हो गया? इथीन। कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे ही सारे नेमिंग्स क्या कर लेंगे हम लोग? कर लेंगे। कुछ आप लोगों को मैं क्या दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ बच्चों? कुछ आप लोगों को मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ, जैसे ये इसकी नेमिंग, पहला, सेकेंड इसकी नेमिंग, थर्ड इनकी नेमिंग, फोर्थ इनकी नेमिंग। ठीक है और दे दें, आ जाओ भाई,
सर ये क्या बनाने लगे? इसी को क्या करते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, इसको तो आप याद ही रखिएगा किसी कीमत पर, ठीक है। तो इनके कुछ नेमिंग कर लेते हैं हम लोग। अब जहाँ से देखो कैसे पहचानेंगे, सर इसमें तो नंबर ऑफ कार्बन आप दिए ही नहीं है, नहीं दिए हैं ना, मैं दिखा दे रहा हूँ। जहाँ से मान लो सोच लो कि ये लोहे की रेड हो, अगर हम कहाँ से इसको, अगर हम क्या करेंगे, अगर इसको मारने पर जहाँ से खून निकलने लगे सुन के अजीब लग रहा होगा, जहाँ से कॉर्नर है ना, उस कॉर्नर पे क्या है? हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर कार्बन है। जैसे इसको मैं लिख दूँ इसके ओरिजिनल फॉर्म में, तो सॉरी चलो इसकी नेमिंग कर देते हैं, ठीक है, बन गया ये डबल बॉन्ड। तो अब देखो यहाँ यानी ये था ना, ये था, दो जगह से खून निकल सकता है, तो दोनों पॉइंट पे क्या करेंगे, कार्बन, ठीक है। बीच में सिंगल बॉन्ड है ना बच्चों, सिंगल बॉन्ड, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो एक से तो ये सेटिस्फाई किया हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा, CH3, यहाँ पर क्या होगा, CH3, ओके। ठीक वैसे ही क्या कीजिए, इनके नेमिंग कर लीजिए आप लोग। पहला इथेन, दूसरा देखिए डबल बॉन्ड आ गया। नंबरिंग, नंबरिंग करने के लिए कुछ आपके पास कुछ लॉजिक में बता दे रहा हूँ। जहाँ से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पहले आए, जहाँ से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पहले आए वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। पहला ये नंबरिंग का केस। दूसरा जहाँ से ब्रांचेस पहले आए, जैसे अभी मैं यहाँ पर जो नंबरिंग करूँगा ना, नंबरिंग मैं यहाँ से करूँगा 1, 2, 3, 4, ना कि 1, 2, 3 करूँगा। हमें ब्रांचेस को कम से कम नंबर देने हैं, ठीक है, तो वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। ये कैसे होगा ना, जैसे प्रैक्टिस होगी आप लोगों की, हालांकि टेंथ में इतना ज़्यादा पढ़ने की है भी नहीं, बहुत ही मतलब टेंथ से बहुत ऊपर हैं जहाँ तक मुझे लग रहा है। फिर आप लोग देख लेना, दिया होगा छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए होंगे क्लास टेंथ में, ठीक है बच्चों। तो ये यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1, 2, 3, तो क्या करेंगे इसको, इन है एल्कीन है ना, तो प्रोप इन। आप लोग के बुक में कहीं ये लिखा होगा तो गुस्सा आने की जरूरत नहीं है, प्रोपिन 1, ठीक है। ये देखिए यहाँ इसकी नंबरिंग कैसे करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक। यहाँ से भी नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, तो इधर से भी 3, 1, 2, 3, इधर से भी 3, 1, 2, 3, इधर से भी 3। अब एक समझने वाली बात ये है कि अगर मैं इसको मेन ब्रांच लेता हूँ, इसको मेन ब्रांच लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये आपके, इसको मेन चेन लेते हैं तो ये ब्रांचेस बन जाएंगे, ये क्या बन जाएंगे, दोनों ब्रांचेस बन जाएंगे, ठीक है। तो ब्रांचेस मैं क्या बोला हूँ, ब्रांचेस प्रीफिक्स के तौर पर यूज होते हैं, पीछे देखिए, हाँ, तो ये 2 कार्बन का एल्काइल है, तो क्या बोलेंगे इसको, इथाइल, 3 पे लगा हुआ है, इसका एग्जैक्ट नेमिंग हो जाएगा 3-3-डाई-इथाइल 1, 2, 3, 4, 5, 1 देखिए 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5 कार्बन का हमारा मेन चेन है, इसको बोलेंगे 3-3-डाई-इथाइल पेंटेन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। वैसे ही आ जाओ बच्चों, इसकी नंबरिंग करते हैं 1, 2, 3, 4, 2 पर क्या जुड़ा है, एक कार्बन वाला जुड़ा है, कार्बन, क्योंकि एक कार्बन से खून निकल सकता है, ठीक है। जहाँ जहाँ से खून निकल जाए वहाँ पे कार्बन है, ये ध्यान रखना है, जहाँ जहाँ से खून निकल जाए वहाँ वहाँ पर क्या है, कार्बन है आपका। तो देखिए यहाँ पर 1, 2, 2 पे क्या जुड़ा है, CH3, तो क्या करेंगे, 2-methyl ब्यूटेन, क्या 2-methyl ब्यूटेन, ठीक। वैसे ही बस कुछ करना नहीं है, एल्केन है तो आगे साइक्लो लगा देना है, कितना कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी साइक्लो
छह कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या यूज होता है? हेक्स, तो साइक्लोहेक्सेन। ठीक है वैसे बच्चों, साइक्लो पेंटेन, इसका नाम है एक बेंजीन। क्या है? बेंजीन, इसको याद रखना। और नेमिंग आपकी क्या हुई यहाँ पर? फिनिश हुई। जाते जाते क्या करना है? कुछ करने की जरूरत नहीं, इसको नोट कर लीजिए। हाँ, जो भी आपके डाउट्स हैं, टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आप अपने डाउट्स हम लोग से पूछ सकते हैं। सारे कोचिंग के हमारे लगभग स्टाफ हैं। और ये सीरीज चल रही है बोर्ड बूस्टर सीरीज, जिसमें जो मैथ्स के फैकल्टी हैं आपके विनोद सर, विनोद कौशिक सर हैं, कौशिक सर बायो की मैम है, एक थे समा मैम बायो पढ़ाएंगी, क्लास टेंथ वालों को जो बायो है ना वही कराएंगी। बाकी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स हम आपके हैं, कौन हम आपके टीचर हैं। नाम क्या है? अजय सिंह। ठीक है, तो डरने की ज़रूरत है नहीं, ये तीनों लोग आप लोग लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं खुद ये भी लोग। अभी इसके बाद जस्ट कौन सा लेक्चर शूट होने वाला है? बायो का, मतलब इसके बाद केमिस्ट्री के लेक्चर के बाद बायो का लेक्चर अपलोड होगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं। हाँ जी, और जो भी आपके डाउट्स हैं, सजेशंस हैं, प्लीज़ इसमें आप कमेंट बॉक्स में आप बताएं हमको, ताकि हम लोग अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, ये क्या हो गया? चले फिर, जाते जाते आप सभी को क्या, थैंक यू 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 थैंक यू ऑल, एक और वर्ड लिख दे रहे हैं ऑल। ठीक है, पैटर्न क्या लो, कुछ है कि नहीं भाई? नहीं है, कोई बात नहीं, मेडल ले लो आज। ठीक है, ये मेडल ले लो आज। अब मेडल किस लिए? आज का क्लास देखने के लिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।